दोस्तों, मैं हूं राहुल अपवा। आज सुनिए मेरी लिखी कहानी, मेरे जवाब। दिल्ली में मौसम सर्द हो चुका था। ये अक्टूबर का वो पल था जब दिल्ली में ठंडी और सुहावनी हवाएं चलने लगती हैं। मौसम में एक सौंधी सी खुशबू रहती है जो अक्सर इस मौसम में नए प्यार की शुरुआत होने पर जिंदगी भर आपके साथ रह जाती है। रॉबिन सालों बाद दिल्ली वापस आया है, ये बात नेहा को रॉबिन के सोशल मीडिया से मालूम चली और उसने रॉबिन को एक बार फिर से ईमेल करके आखिरी कोशिश की है रॉबिन से मिलने की। हाय रॉबिन, जानती हूँ दिल्ली में ही हो, कल मिल सकते हैं? नेहा लिखना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उसने टाइप करते करते सिर्फ यही लिखा और कश्मकश में इस ईमेल को सेंड कर दिया। उसने सब उम्मीद छोड़ दी थी कि रॉबिन उसके इस ईमेल का जवाब देगा। जब से दोनों अलग हुए हैं, नेहा की जिंदगी ने जैसे उसे वहीं रोक दिया हो। उसके दोस्त तो बहुत हैं, लेकिन दोस्त कोई नहीं। और साथी जो कि रॉबिन था, उसे तो वो पहले ही अपनी मगरूरियत से छोड़ चुकी थी। रात के 11 बज चुके हैं। नेहा बालकनी में खड़ी मायूसी से शहर को देखते हुए अपने पैकेट में पड़ी आखिरी सिगरेट स्मोक कर रही है। चांद निकला हुआ है, लेकिन बादलों की वजह से साफ दिखाई नहीं दे पा रहा है। जब जब वो चांद को देखती है तो उसे रॉबिन की चांद पर लिखी वो सभी कविताएं याद आ जाती हैं जिनमें रॉबिन ने नेहा का भी जिक्र किया था। वो देख पा रही है चलता हुआ शहर, रंग बिरंगी रोशनियां, गाड़ियों में जाते हुए परिवार, सड़कों पर खड़े प्रेमी जोड़े और हाथ रिक्शा में जाते हुए कपल्स। कितनी खुशियां हैं उस दूसरी तरफ। और शीशे में खुद को देखते हुए नेहा महसूस कर पा रही है कितनी मायूसी है उसकी जिंदगी में। उसका लाइफस्टाइल, उसके फ्रेंड्स, वो सब चीज़ें जो कुछ सालों पहले उसे हमेशा के लिए रखते थे, समय के साथ अब झूठी साबित हुई। तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। वो सिगरेट बुझाकर कमरे में जाते हैं और मोबाइल देखते हैं। ये ईमेल का नोटिफिकेशन है। रॉबिन ने उसके ईमेल का रिप्लाई किया है। पिछले 4 सालों में ये पहली बार है जब रॉबिन ने नेहा को कोई जवाब दिया है। नेहा विश्वास ही नहीं कर पा रही है और वो उस ईमेल को खोलने में थोड़ा असहज है। उसे डर है कि क्या होगा अगर कहीं रॉबिन ने भी उसी तरह से एटीट्यूड में कुछ लिखा हो जैसा मैंने किया था उसके 7 सालों पहले। अपने किए गए हर बुरे बर्ताव की याद आज नेहा को ताजा हो चुकी थी, जो सालों पहले उसने अपने फ्रेंड्स और दूसरी चीजों के प्रभाव में रॉबिन के साथ की थी। नेहा कश्मकश में ईमेल पढ़ती है। उसमें लिखा है, हाय नेहा, आई विल बी देयर अराउंड 12, ओके, सी या। नेहा ने जैसे ही ये पढ़ा, उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर इस पर वो कैसे रिएक्ट करे। मिक्स इमोशन उसके चेहरे पर है, एक खुशी के साथ साथ उसकी आंखें भीग गई हैं। उसे रॉबिन के साथ उसकी पहली मुलाकात, जो कि एक लॉन्ग ड्राइव थे, उसमें की गई सब बातों से लेकर डिनर करने तक और उसके बाद दोनों के लंबे चले रिलेशनशिप की एक एक यादें ताज़ा हो गई हैं। सालों पहले कुछ नए रिश्ते की वजह से उसके रॉबिन को खो देने की मायूसी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। बेड पर बैठी हुई वो खिड़की से बाहर देखती है तो वो चांद जो अब तक बादलों से घिरा हुआ था, वो बादल छटते हुए दिख रहे हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी रात भर नेहा को नींद नहीं आई। सवालों के साथ वो करवटें बदलती रही, खुद से सवालों के जवाब देते हुए उसे कब नींद आ गई उसे मालूम ही नहीं चला। लेकिन अगली सुबह जब वो सोकर उठे तो ये कई सालों में पहली बार था जब वो बिना मेडिसिन लिए सोई, और सुबह जब उठी तो वो थकी हुई नहीं थी। उसके लिए मानो ये सुबह बिल्कुल फ्रेश थे।
उसने टेबल से अपना मोबाइल उठाया और उस ईमेल को दोबारा से देखा। वो एक एक शब्द को बार बार पढ़ रही थी। उसके बाद उसने गैलरी में रॉबिन और अपने कुछ पुराने फोटोज देखते हुए उन लम्हों को याद किया जो समय के साथ उसके लिए अनमोल बन चुके थे। तभी उसे याद आया कि मिलना कहाँ है। ये बात तो ना उसने उसे बताई और ना ही रॉबिन ने पूछा, लेकिन मिलना कहाँ है ये तो पूछना ही भूल गई। नेहा को रियलाइज हुआ कि इन दोनों ने ही मिलने की जगह तो डिसाइड ही नहीं की है। अब वो एक नई कश्मकश में है कि अब उसको दोबारा से मैसेज करना पड़ेगा लोकेशन के लिए। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी रॉबिन का मैसेज आता है। वो उसे ओपन करती है तो देखती है कि उसमें एड्रेस लिखा है, 3rd floor क्लाउड इन रेस्टोरेंट। मैसेज को पढ़ते ही नेहा ने यह सोचते हुए एक सांस भरी कि चलो इसे कुछ तो याद है। रॉबिन अक्सर चीजों को लेकर लापरवाह और भुलक्कड़ किस्म का रहा है। वो दूसरों लड़कों जैसा पब्लिकली शो ऑफ या पैम्पर नहीं करता था, लेकिन ये सब वो अपनी ही तरह से करता था जिसमें थोड़ा भी नकलीपन नहीं होता था। और यही आदत उसे अलग बनाती थी जिसकी वजह से नेहा उसे बेइंतहा प्यार करती थी। नेहा ने अलमीरा में से आज पहनने के लिए अपनी पसंद के कपड़े बाहर निकाले, मैचिंग बालियां जो कभी रॉबिन ने गिफ्ट की थी। फिर उसकी नजर एक स्वेटर पर गई, लेकिन दिल्ली में मौसम हल्का सर्द हो चुका है ये जानते हुए भी उसने कोई स्वेटर नहीं लिया। 11:15 हो चुके थे, नेहा तैयार होकर निकले। बादामी रंग की कुर्ती, जीन्स, एक हल्के रंग का दुपट्टा, कानों में बालियां और हाथ में एक छोटा सा बैग लेकर नेहा जल्दी हुई नीचे सड़क पर आती है। कैब अवेलेबल ना होने की वजह से वो ऑटो रिक्शा को रोकती है, लेकिन अगले 5 तक वो ऑटो वाले भैया से किराए को लेकर बस बहस करने में लगी है। ये आदत नेहा की हमेशा से रही है, भैया ऑटो हो या टैक्सी, अगर मीटर से नहीं जाओगे ना तो कंप्लेंट कर दूंगी आपकी। दिल्ली के ऑटो वालों के मीटर काम क्यों नहीं करते हैं, नेहा ने गुस्साते हुए ऑटो वाले से कहा। उसने ऑटो वाले से साफ शब्दों में कहा कि वाजिब किराया जो उसको लगता है वो उससे एक पैसा ज्यादा नहीं देगी। अचानक बहस करते हुए वो रुक गई और पलटते हुए उसने पीछे देखा। उसे लगा जैसे कल ही की बात हो जब रॉबिन उसे ऐसा करते हुए देखा करता था, लेकिन अभी पीछे कोई नहीं था, वक्त बीत चुका था। ये वो जिंदगी थी जो नेहा ने चुनी थी। दिल्ली की भीड़ भाड़ भरी सड़कों पर दूर दूर तक गाड़ियां थी जो बस भागी जा रही है। ऑटो में मध्यम आवाज में FM बज रहा है। नेहा पुराने दिनों को याद करते हुए सोचती है जब वो और रॉबिन अक्सर ऑटो में ट्रैवल किया करते थे, और जब नेहा ऑटो वाले को FM ऑन करने को कहती थी तो रॉबिन जवाब में कहा करता था, अरे रहने दो भैया, वैसे भी FM पर सॉन्ग्स नहीं एड्स ज्यादा आते हैं। रॉबिन की इस बात पर अक्सर वो मुस्कुरा दिया करते थे, लेकिन आज FM पर एड्स नहीं गाने बज रहे हैं, एक के बाद एक गाने, पुराने गाने बिना किसी भी ब्रेक के। लेकिन अब रॉबिन वहां मौजूद नहीं है जिसे नेहा ये बता सके कि देखो रॉबिन तुम गलत है, हमेशा ही गानों में ब्रेक आए जरूरी नहीं है। गाने सुनते हुए नेहा ऑटो से बाहर देख रही थी सड़क की दूसरी तरफ लगे पेड़ जो पीछे छूटते जा रहे हैं बिल्कुल वक्त की तरह। नेहा को पहुंचने में थोड़ी देर हो चुकी है। वो 3rd floor पर जाती है और आसपास नजर दौड़ाती है तो देखती है कि दूसरी तरफ रॉबिन बैठा उसका इंतजार कर रहा है। उसने ब्लैक शर्ट, उस पर हल्के रंग का एक जैकेट पहना हुआ है। इस तरफ नेहा, इस तरफ, रॉबिन ने इशारा किया। नेहा की धड़कनें बढ़ने लगी। आगे बढ़ते हुए उसके मन में बहुत सवाल थे। वहीं दूसरी तरफ रॉबिन स्माइल करते हुए नेहा को एकटक देख रहा है। नेहा बेहद खूबसूरत लग रही है। रॉबिन चाहता है उसे हक करना, लेकिन वो खुद को रोकता है। ये हक करेगा ये मैं करूं, नेहा ने खुद से कहा। वहीं रॉबिन के भी मन में यही चल रहा है।
लेकिन मोमेंट ऑकवर्ड ना हो जाए, इसलिए रॉबिन ने हाथ आगे बढ़ा दिया। नेहा ने उसको देखते हुए हैंडशेक किया और दोनों बैठ गए। दोनों के लिए कुछ सेकंड्स के लिए माहौल थोड़ा ऑकवर्ड रहा। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते रहे। दोनों यहां वहां देख रहे हैं कि तभी वेटर ऑर्डर के लिए आता है। योर ऑर्डर सर, वेटर ने कहा। हाँ नेहा, बताओ क्या लोगे? नहीं हम ओके, तुम कुछ लो। यू मस्ट बी वेटिंग ना, नेहा ने जवाब दिया। अरे इट्स फाइन, जानता हूँ ट्रैफिक था, दिल्ली में हमेशा ही होता है। कुछ ले लो। मैं चाय लूँगा बस अभी के लिए। चाय? नेहा ने सोचते हुए खुद से कहा। ये चाय कब से पीने लगा? ओके आई हैव कॉफी, नेहा ने कहा। तभी रॉबिन ने कहा, दे ऑल्सो हैव ड्रिंक्स हियर, इट्स ओके यू कैन हैव इट। रॉबिन ने नेहा को बताया, लेकिन नेहा ने वेटर से कहा, आप कॉफी ले आइए। फिर रॉबिन की तरफ पलटी और बोली, कॉफी इज़ ओके। ओके, रॉबिन ने कहा। सो तुमने चाय पीनी शुरू कर दी है? नेहा ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। हाँ, तुमने कॉफी कर दी, मैंने चाय, रॉबिन ने हंसते हुए कहा। वैसे आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हम लोग यहां मिलेंगे। कैसी हो तुम? मम्मी पापा सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं, तुम बताओ, नेहा ने जवाब दिया। मेरे घर पर? मैं क्या बताऊं, तुम तो जानती हो, बात करती हो ना मम्मी पापा से अभी भी, तुम मुझसे ज्यादा तो उनका हालचाल तुम्हें मालूम होगा, रॉबिन ने जवाब दिया। हाँ, नेहा ने कहा। सो बताओ ना, क्या काम था, रॉबिन ने उससे पूछा। काम? काम नहीं, बस मिलना था, नेहा ने कहा। हाँ बट अचानक कैसे, क्या बात है, ऑल ओके ना, यू आर फाइन राइट, रॉबिन ने कहा। हाँ आई एम डूइंग गुड, बस मिलना था, नेहा ने जवाब दिया। ओके, तब तक वेटर चाय और कॉफी लेकर आता है। जब तक वो कॉफी और चाय सर्व करता है, वो दोनों एक दूसरे को नजर बचाते हुए देख रहे हैं। अच्छी लग रही हो, रॉबिन ने कहा तो नेहा मुस्कुरा दी। नेहा रॉबिन को चाय पीते हुए देख रही है और उसको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि जिस इंसान ने जिंदगी भर चाय को हाथ नहीं लगाया, वो आज इतना बदल कैसे गया। क्या हुआ, रॉबिन ने पूछा। कुछ नहीं, बस यू ही, वो तुम्हें पहली बार देखा ना ऐसे, नेहा ने कहा। ऐसे मतलब चाय पीते हुए, रॉबिन ने पूछा। हाँ, छोटी छोटी चीजें अगर बदल जाए तो बड़ी बात होती है, नेहा ने जवाब दिया। रॉबिन एक पल के लिए रुका और नेहा की तरफ देखता हुआ उससे बोला, एग्जैक्टली, छोटी छोटी चीजें अगर बदल जाए तो बड़ी बात होती है। रॉबिन की इस बात ने जैसे नेहा को याद दिला दिया हो कि सालों पहले क्या बदलने लगा था। फिर कुछ सेकंड दोनों ही कुछ नहीं बोले। तुम अंदर से दुखी हो नेहा, रॉबिन ने नेहा की आंखों में देखते हुए कहा। नेहा यहां वहां देखने लगी और बात को संभालते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो ठीक, लेकिन अगर कुछ है जो तुम शेयर करना चाहो तो कर सकती हो, रॉबिन ने कहा। उसकी इस बात पर नेहा ने उससे पूछा, तुम खुश हो? रॉबिन ने नेहा की तरफ देखा और जवाब दिया, तुम खुश हो, मैं खुश हूं। इस पर नेहा ने कहा,
इतने सालों के बाद क्यों जवाब दिया मेरे मैसेज का रॉबिन? नेहा ने उससे पूछा। क्यों नहीं देना था? फिर क्या फर्क रह जाता मुझ में और तुम में जो तुमने अपने एरोगेंस में उस दौरान किया था? क्योंकि अगर मैं जवाब नहीं देता तो मैं स्टोन हार्टेड बन जाता अकॉर्डिंग टू यू, और जवाब दे दिया तो सवाल पूछ रही हूं क्यों गया? नेहा, मुझको ना ये सब पहले आता था और ना अब आता है। चीजें सिंपल पसंद है मुझको, हर बात कही जानी जरूरी नहीं होती। ये बात तुम्हें अब तक समझ नहीं आई, रॉबिन ने जवाब दिया। खामोशी इतने सालों में सब जवाब दे चुकी है मुझको, नेहा ने रॉबिन की तरफ देखते हुए कहा। रॉबिन ने उसकी तरफ देखा और उसकी कही इस बात पर गौर किया, लेकिन वो क्या कहे उसे समझ नहीं आया, इसलिए वो चुप रहा और खामोशी से नेहा की तरफ देखता रहा। क्या हम, अरे मतलब हम एक और मौका नहीं दे सकते एक दूसरे को? नेहा ने आगे कहा। रॉबिन को कुछ समझ नहीं आया। दूसरी तरफ से वेटर उनके टेबल की तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन रॉबिन ने उसे हाथ का इशारा करते हुए रोक दिया। क्या तुमने इतने सालों के बाद आज ये कहने के लिए मुझे यहां बुलाया? नेहा, एक दूसरा मौका? रिश्तों को मौके नहीं दिए जाते हैं, या तो रिश्ते होते हैं या नहीं होते हैं, मौके खेल में हुआ करते हैं। और तुम हाँ चाहती हो कि हम एक बार फिर से ट्राई करें, राइट? ओके, तो क्या तुम अपनी उन फ्रेंड से परमिशन लेकर आई हो जो तब एक तरफा बातें जानकर मेरे अगेंस्ट बातें लिख रही थी? रॉबिन ने नेहा को जवाब दिया। मुझे क्यों उनकी या किसी की भी परमिशन चाहिए होगी रॉबिन? नेहा ने कहा। ओ स्टॉप इट यार नेहा, प्लीज, ये सब नहीं करते ना डिस्कस, छोड़ो। एंड यही बात तो तुमने मुझे रिश्ता शुरू होने से पहले कही थी ना, जब मैंने बताया था तुम्हें मेरी एक पुरानी फेल्ड रिलेशनशिप के बारे में। तब भी तुमने कहा था ना, इवन आफ्टर ऑल दिस आई वांट टू मैरी रॉबिन, एंड किसी और की परमिशन नहीं चाहिए मुझे हमारे रिश्ते के लिए। तुम्हें मैंने अपनी जिंदगी के सब दुख बताए थे और तुमने उन्हें मेरे खिलाफ यूज किया था। नेहा, लोगों के फेल्ड रिलेशनशिप्स का ये मतलब नहीं होता कि वो साथी बुरे हैं। किसी का कोई रिश्ता नहीं चला तो सोसाइटी की तरह तुम भी ये कहोगी कि उसी में फॉल्ट था, और आधी अधूरी बातें बताकर तुम किसी के लो फेस को उसके खिलाफ यूज करोगे। जब तुम ये सब कर रही थी मैंने कभी नहीं पूछा, आज पूछता हूं, तुम्हारे मुझसे पहले कितने रिलेशनशिप रहे थे बताओ? क्या मतलब है इस सवाल का रॉबिन? नहीं बताओ ना, क्या वो सभी रिश्ते शादी तक पहुंचे? नहीं ना, तो इसके अकॉर्डिंग तो मुझसे ज्यादा तुम कल्प्रिट हुई। ये बात तुम्हारे उन वोक फ्रेंड्स ने तुम्हें नहीं बताई? अरे तुम उन्हीं बातों पर तो मुझे जज कर रही थी। इस सबका भी क्या मतलब है रॉबिन? अभी भी हम इसी पर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इस पर तब बात कर लेते तो शायद आज साथ होते हम, लेकिन तब तो तुम एक अलग ही टेंजेंट पर थी। जिन लोगों ने मुझे जज करके अपने वर्डिक्ट उस दौरान पास किए थे, क्या तुमने उन्हें कभी बताया था कि तुम्हारा अपने गुस्से पर कंट्रोल ना होने की वजह से तुम कर्ज करती थी रॉबिन को, उस पर एलिगेशन डालती थी, और रॉबिन सुनता रहता था तो भी वो बुरा था, और जब उसने तुम्हारे टेंजेंट पर आकर पलट कर जवाब दे दिया तो उसको कुछ दिक्कत है और मामला मैन वर्सेस वुमेन का बना दिया गया। तुमने कभी सोचा कि मुझको क्या फील हुआ था तब? मैं कहता था ना, ये झूठी दोस्ती निभाने वाले दोस्त साथ नहीं देंगे। जो तोड़ने में बिलीव करते हो वो दोस्त कैसे हो सकते हैं? उनके जिनके खुद के रिलेशनशिप नहीं, वो एक तरफा बातें सुन के ज्ञान देंगे किसी और के रिश्ते पे, और मैं उन सबसे क्या कहूं? दे डोंट इवन एग्जिस्ट फॉर मी। मेरा तो लेना देना तुमसे था ना,
ठीक है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी कभी कोई गलती नहीं रही? निया ने रॉबिन से पूछा। गलतियां रही होंगी, बहुत गलतियां रही होंगी, एक नहीं हजार गलतियां रही होंगी। एआई नहीं हूं मैं, इंसान हूं ना, तो हर एक इंसान में कमियां गलतियां सब होती हैं, कोई कंप्लीट नहीं होता। मैंने मिस्टेक्स की, लेकिन कभी कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं किया, कभी सोशल मीडिया पर झूठा शो ऑफ नहीं किया, और आज भी वही बातें कह रहा हूं जिनसे मुझे तब दुख पहुंचा था जो तुमने किया था। तुम तो पढ़े लिखे हो ना, आइंस्टीन ने अपनी कही हुई बात भी गलत साबित होने पर रियलाइजेशन करके एक अलग नई थ्योरी दी है कई बार। वो ये मानकर नहीं बैठ गया कि साइंस ही बुरी चीज है और मैं सही। ऑल मैन आर नॉट सेम। इक्वेलिटी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू यू इक्वेलिटी इज बींग अ गर्ल। मैं कुछ भी कह दूं तो सही, एलिगेशन लगा दूं तो सही, चीख लूं तो सही, गाली बक दूं स्कूल, लेकिन अगर सामने वाला शांत रहने के बजाय जवाब दे दे और तुम्हारे ही लहजे में जवाब दे दे तो वो गलत। और क्या कहा था तुमने, पुरुष प्रधान समाज का हिस्सा, रॉबिन ने झल्लाते हुए कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है रॉबिन, ये सब तुम बोल रहे हो इतने सालों के बाद भी, नेहा ने जवाब दिया। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इन्हीं सब चीजों को तो मुद्दा बनाकर मेरी इमेज बिगाड़ी थी तुमने तब, और आज तुम कह रही हो कि साथ रहते हैं। इतने सालों में जब तुमने दूसरे रिलेशनशिप बनाकर देख लिए और वो किन्हीं वजहों से नहीं चल पाए, फ्रेंड्स जब फ्री नहीं रहे तो वो भी उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे अब, इसलिए अब जब उस शोरगुल और दिखावे की जिंदगी से बाहर आई हो तो अब तुम्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि तब जो किया था वो बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, और आज तुम बात करने आई हो। देखो नेहा, मुझे तब भी किसी बात से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो सब तुमने किया अपने गुस्से में किया उसका रियलाइजेशन हो गया तुम्हें, अच्छी बात है, लेकिन अब मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं। इस सब का नेहा के पास कोई जवाब नहीं है। वो जानती है अगर मगरूरियत को छोड़कर उस सब को वो उस तरह से नहीं हैंडल करती जो उसने किया था तो आज हम दोनों साथ होते, उसने खुद को संभालते हुए रॉबिन से कहा। वक्त के साथ इंसान जीना सीख ही जाता है, तुम भी सीख गए हो मेरे बगैर जीना। नहीं नेहा, वक्त के साथ इंसान सीखता नहीं, समझ जाता है कि सामने वाले को जब आपकी जरूरत नहीं तो आपको अपना वक्त खुद पर लगाना चाहिए। वक्त कभी जख्म नहीं भरता, बल्कि हम जख्मों के साथ जीना सीख जाते हैं, रॉबिन ने जवाब दिया। अगले कुछ मिनटों तक दोनों के बीच शांति पसर गई और दोनों ने ही एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा। ये खामोशी वैसी ही थी जैसे सालों पहले पहली बार हक करने के बाद दोनों के बीच बातें खत्म हो जाने के बाद की थी। इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि अब अधिकार नहीं था। रॉबिन ने जैसे उसे अपना सब कुछ कह दिया हो जो इतने सालों से वो कहना चाहता था, वो बताना चाहता था कि गलत बनाया जाना और गलत होने में कितना फर्क है। नेहा वक्त के साथ इन बातों को समझ पाई, लेकिन उसे मलाल है कि अब बहुत देरी हो चुकी थी। नेहा अगर कुछ देर और वहां पर रुकती तो उसके आंसू छलक जाते, इसलिए वो उठकर वॉशरूम के लिए गई। रॉबिन वहां बैठा कुछ सोचता रहा। कुछ देर बाद जब नेहा वापस आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो कहती है, मुझको निकलना होगा रॉबिन, जानती हूं जो हो गया उसको अब बदल तो नहीं सकती हूं, बस इतना कहना है कि किसी बात का बुरा मत मानना। ये कहकर वो अपना बैग उठाती है और जाने लगती है। उसका दिल जैसे बिल्कुल टूट चुका है तभी रॉबिन उसे आवाज लगाता है। नेहा, नेहा पलटती है। रॉबिन खड़ा होता है और आगे कहता है, जो कुछ भी इतने टाइम से दिल में था ना कह चुका हूं,
एक मौका और दे। नेहा ने पलटकर जब यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और इस बार उन्हें वो रोक ना सके। वो देखती है रॉबिन वहां बाहें फैलाए खड़ा हुआ है। रॉबिन की आंखें भी नम है। नेहा उसकी तरफ दौड़कर आती है और उसके गले लगती है। दोनों की आंखें और दिल एक दूसरे से बहुत कुछ कह रहे हैं। कई बार रिश्तों में बात करना बेहद जरूरी होता है। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरी यानी राहुल अभवा की लिखी कहानी मेरे जवाब। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और भी कहानियां सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।